वेलकम बैक टू द चैनल संजय सर। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और हमने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 का फर्स्ट सम लिया है। ओके, देखते हैं सम में क्या दिया हुआ है। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिया है दो पार्टनर्स का नाम अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ये दो पार्टनर्स हैं। दोनों पार्टनर्स यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, इसका मतलब दोनों का रेशियो जो है 1:1 होगा। ओके, जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों इक्वली बांट देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको वहां पे बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस में आप जो डेट मेंशन किया है 31 मार्च 2019, ये हमारा ईयर एंडिंग है बच्चों। जो ट्रायल बैलेंस जो दिख रहा है आपको बच्चों यहाँ पर, ये ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम डेबिट बैलेंस में दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनका जो इफेक्ट है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, या तो वे जाते हैं एसेट्स में है। तो ये भी हो सकता है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में से लेस करने वाला आइटम भी यहाँ पे आ जाए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड की। तो यहाँ का आइटम कहाँ जाता है, यहाँ का आइटम जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में, या तो लायबिलिटी में जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेस होता है, तो यहाँ के भी कुछ आइटम जो है वो जाते हैं और ट्रेडिंग के डेबिट में से लेस होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये आइटम इस जगह जाते हैं और ये आइटम इन जगह पर जाते हैं। आइए देखते हैं डिटेल में। प्लांट एंड मशीनरी जो है ये हमारा एसेट्स है बच्चों, तो ये हम एसेट्स में लिखेंगे। आगे फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी एसेट्स है बच्चों। आगे डेटर्स, डेटर्स भी हमारा एसेट्स है। ओके, आगे देखते हैं परचेस, परचेस हमारा आइटम टीडी का है। ओके, ट्रेडिंग के डेबिट का आइटम है बच्चों यहाँ पे। जो बैड डेब्ट्स है ये पीडी का आइटम है। आगे सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स रिटर्न क्या है बच्चों, सेल्स रिटर्न जैसे मैंने बताया कि दिया कि यहाँ डेबिट में आइटम भले हैं पर कभी कभार लेस होता है ट्रेडिंग क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न जो है वो जुड़ा हुआ है सेल्स से बच्चों। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करना होता है, तो सेल्स में एक डैश मार लीजिए, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से आपको लेस करना है। नाउ नेक्स्ट आइटम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड लिख के दिया है बच्चों आपको यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है परचेज ऑन 1st 10 2018, अमाउंट है 40,000 रुपया। बच्चों यहाँ पे बता दूं, जब गवर्नमेंट बॉन्ड हम खरीदते हैं ना, ओके, तो ये हमारा एसेट्स होता है बच्चों। क्या होता है ये हमारा एसेट्स, तो ये हमारा एसेट्स है, यहाँ लिख दो ए। ओके, ए फॉर एसेट्स। अब यहाँ पर एक स्टार मार्क कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये साइलेंट एडजस्टमेंट है इसमें। देखो 40,000 रुपये का आप खरीद रहे हो, ओके, कितने परसेंटेज मिलने वाला आपको, 10%, 10/100 कर लीजिए, इनटू कितने महीने के लिए आपने खरीदा है, 110 को अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, टोटल 6 महीने के लिए इस पे इंटरेस्ट आने वाला बच्चों। तो 6/12 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 0000 कैंसिल, नॉट 2 × 2 = 4, 2,000 रुपीज जो आ गए बच्चों, इसके दो इफेक्ट आने वाले हैं, ये इंटरेस्ट है, तो लिखे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड पे आपको 2,000 रुपये इंटरेस्ट देना बच्चों। तो इसका दो इफेक्ट जाएगा, एक तो आप यहाँ पे डैश मार चुके हो, स्टार मारोगे तो डैश मार चुके हो, तो आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे गवर्नमेंट बॉन्ड में, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड करोगे अंडर एसेट्स में। सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका पीसी में, क्या जाएगा बच्चों, पीसी में। ओके, क्योंकि हमारा जब गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारा इनकम होगा। ओके, आगे देखते हैं बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो है बच्चों जब गुड्स खरीदते हो फॉरेन कंट्री से तो हमारा गुड्स आ रहा है तो फैक्ट्री के लिए काम में आएगा बच्चों, तो ये हमारा एक्सपेंस है फैक्ट्री का, तो ये जाएगा टीडी में। आगे बढ़ते हैं, लीगल चार्जेस ये पीडी में जाएगा बच्चों क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस है। मोटिव पावर, मोटिव पावर बच्चों ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं वेयर हाउस रेंट, तो वेयर हाउस रेंट
ये कहाँ जाने वाला है। देखो गुड्स प्रोड्यूस हो गया है, गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद में उसे हम लोग क्या करेंगे, बेचने के लिए रखेंगे हम लोग यहाँ पे वेयर हाउस में, तो सेल्स के लिए था बच्चों। तो ये जाएगा हमारा पीडी में, एक्सपेंस पीडी में जाने वाला बच्चों। आगे कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, ओके कैश एट बैंक भी हमारा एसेट्स है बच्चों। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है बच्चों ये हमारा एक्सपेंस है और ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, तो पीडी का आइटम है ओके। अब बात करते हैं इस पे दिया है साइलेंट एडजस्टमेंट, तो यहां भी मैं स्टार ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों ओके। अब यहां क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 10,000 रुपए का आप एडवर्टीजमेंट है, पर ये आपने किसने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया हुआ है, फॉर 2 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी से लागू हुआ है, 1 जनवरी 2019। तो एक काम करो पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 5 = 10 कितना आएगा, 5000। 1 साल का 5000 रुपया जो है आना चाहिए था, बट वो इफेक्ट कब से दिया है, 1 जनवरी से, तो काउंट करो जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए बस उसका इफेक्ट आने वाला बच्चों। तो हमें क्या करना होगा, इनटू 3/12 करना होगा। नाउ 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 4 से काट दिया यहाँ पे, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो आपको 1250 रुपये आएगा बच्चों। तो मतलब ये हुआ कि इस 10,000 रुपये में से सिर्फ 1250 रुपये जो है इस साल के काउंटिंग में आने वाला है। तो क्या करना होगा, 10,000 में से आपको 1250 रुपये आपको लेस करना है, कितना बचा, 0, 10 में 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में 2 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9 में 7 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 8750। ये अमाउंट जो है ये प्रीपेड है, क्या है बच्चों, ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है। जो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट होता है बच्चों, तो दो इफेक्ट जाएगा, आपको लेस करना होगा लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट में से लेस करना होगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बच्चों इसका हमारा एसेट साइड में। तो एक काम कर लीजिए यहाँ पे, तो टिक मार्क हमें ऑलरेडी स्टार मार्क मारा हुआ है, तो इन द कॉलम अमाउंट जाने वाला है इसका, तो आपको क्या करना है, 8750 जो है ये आपका प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, तो एक आइटम आपको लेस करना होगा इसमें से 8750, सेकेंड में डालना होगा आपको एसेट साइड में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सैलरी जो है वो हमारा ऑफिस एक्सपेंस है बच्चों, तो ये पीडी में जाएगा। रेंट भी हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, तो ये पीडी में जाएगा बच्चों। अब उसके बाद में यहाँ पे आइटम दिया है ड्राइंग, ड्राइंग दिया अमित भाई का और नरेंद्र भाई का बच्चों। तो ड्राइंग जो है वो आइटम है सीडी का, सीडी का मतलब हुआ कैपिटल के डेबिट में, कैपिटल के डेबिट में फेंक जाएगा बच्चों इसका। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट्स है ओके। नाउ बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, और ऐसे फ्री हॉट प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स है। तो ये हमने क्या किया, डेबिट साइड के सारे आइटम को लिख दिया कहाँ पोस्टिंग जाने वाला है। इसका टोटल इसका अमाउंट दिया है 8,97,900 ओके। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जो आइटम दिया है बच्चों यहाँ पर वो देखो, कैपिटल दिया है तो कैपिटल जाएगा सीसी में, कहाँ जाएगा बच्चों, सीसी मतलब कैपिटल के क्रेडिट साइड में। आगे सेल्स आइटम जो है टीसी का है। नाउ बिल्स पेएबल हमारे लाइबिलिटी है। डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर दिया क्रेडिट साइड में तो ये हमारा पीसी का आइटम बच्चों, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड का आइटम है। आगे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट आरडी बच्चों, आरडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमारा अगर दिया क्रेडिट साइड है बच्चों तो इसे कहते हैं ओल्ड आरडीडी, और इसको लेस करना होता है कहां से, बैड डेब्ट से। तो बैड डेब्ट से एक डैश मार लो बच्चों कि आपको बैड डेब्ट में लेस करना होता है। और नेक्स्ट आइटम दिया है बच्चों यहां पर आरडीडी, आरडीडी का मतलब होता है बच्चों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये आइटम को हम कहेंगे कि ये ओल्ड आरडीडी है, इसे हम ओल्ड आरडीडी कहते हैं बच्चों, और इसको हम लेस करना होता है बैड डेब्ट में से। तो जाइए बैड डेब्ट से डैश मार लीजिए, आपको लेस करना होगा बैड डेब्ट में से, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट, समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। आगे दिया बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी का आइटम है बच्चों, और जो परचेज रिटर्न दिया हुआ है इसे हम लेस करते हैं परचेज में, यहाँ पे डैश मार लीजिए परचेज में, लिखिए लेस फ्रॉम परचेज ओके। अब इसका टोटल दिया अमाउंट यहाँ पे 8,97,900। तो बच्चों आपने भी ये देखा कि कहाँ पोस्टिंग जाता है। नाउ बच्चों देखते हैं एडजस्टमेंट पार्ट्स। एडजस्टमेंट में बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, एडजस्टमेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साइलेंट एडजस्टमेंट, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मिलते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलते हैं, अंदर ही मिलते हैं ओके, उसका भी 2 इफेक्ट जाता है। दूसरा होता है आपको हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके भी 2 इफेक्ट जाते हैं। और एक होता है इन्फॉर्मेशन, जिसका कोई भी इफेक्ट जाता नहीं है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन होता है। देखते हैं हम लोग यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट,
एक्सरसाइज नंबर वन दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट रुपीज 43,000। बच्चों ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एक गाना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड, ये हमारा फिक्स जाता है। जब करेंगे तो बताएंगे कहां पोर्शन जाने वाला है बच्चों। नाउ नेक्स्ट आइटम सेकेंड, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेयर स्टोलेन। देखो अनइंश्योर्ड गुड्स है मतलब गुड्स को हमने इंश्योरेंस निकाला नहीं है और वो हमारा गुड्स जो है चोरी हो गया। जब कभी अनइंश्योर्ड गुड्स होगा और वो स्टोलन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे दो ही फिक्स जाते हैं, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाने वाला है। गुड्स जब जाएगा ना बच्चों, चाहे सेल्स क्रेडिट में जाए, चाहे आग हवा पानी लेके जाए, चाहे चोर लेके जाए बच्चों, तो आपका एक इफेक्ट कंपल्सरीली जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओके, दूसरा इफेक्ट जो है ये हमारा लॉस होगा पूरा बच्चों, तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, पीडी में जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आइटम दिया है, क्रिएट आरडी एट 2% ऑन संडे डेटर्स। ये हमारा न्यू आरडी है बच्चों, ये हमारा न्यू आरडी है। इसके दो इफेक्ट आएंगे बच्चों यहां पे, हमें लेस करना होता है डेटर्स में, लेस करना होगा डेटर्स में अंडर एसेट्स में, और ऐड करना होता है बैड डेट्स में, ऐड करना तो बैड अंडर पीडी में बच्चों। तो एक काम कीजिए, जाइए डेटर्स कहां पे खोजिए, डेटर्स हमारे यहां पे डैश मार लीजिए, ओके, और बैड डेट्स का वहां पे एक डैश मार लीजिए। बैड डेट्स में ऐड करना है, डेटर्स में लेस करना है। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। एक हमारा मिस्टर पाटिल है, वो कस्टमर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट रुपीज 500। बच्चों ये हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स है, ये हमारा क्या है बच्चों, फर्दर बैड डेब्ट्स है। जब अमाउंट में दिया हो मोस्टली तो उसे हम फर्दर बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो इसका दो इफेक्ट जाने वाला, सेम यही इफेक्ट जाने वाला बच्चों, सेम यही इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेट इज एंड सेकंड जगह एड टू बैड डेब्ट्स। ठीक, काम करो आप, डेटर्स में एक और डैश मार लो और बैड डेब्ट्स एक और डैश मार लो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला पोस्टिंग आप इसको कीजिएगा, पहला इसको कीजिएगा और नेक्स्ट पोस्टिंग इसे कीजिएगा। पहले आपको ये करना होगा, फिर नेक्स्ट आपको ये करना होगा, ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा। अगर ये पहले कर दो तो आपको रॉन्ग हो जाए सवाल बच्चों, पहले आपको ये करना है बाद में ये करना है, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के दिया 800 रुपीज, टिक मार्क ऑन रेंट। रेंट कहाँ दिए, डैश मार लो। सैलरी कहाँ है, डैश मार लो बच्चों। ना इसे लेस करना है बच्चों को, यहाँ पे लेस फ्रॉम एक्सपेंस, किस एक्सपेंस में से, सैलरी में और रेंट में लेस करना है, अंडर पीडी, पीडी में जाएंगे और पर्टिकुलर एक्सपेंस में लेस कर लेंगे। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बच्चों इसका लाइबिलिटी में। आगे देखते हैं, सिक्स और लास्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय रुपीज 2,500 एंड फर्नीचर बाय रुपीज 1,800। बच्चों यहाँ पर आपको डेप्रिशिएशन ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो काम करो, टिक मार्क ऑन बिल्डिंग, टिक मार्क ऑन बिल्डिंग, या टिक मार्क बिल्डिंग में कर लीजिए। आगे फर्नीचर भी, एक फर्नीचर टिक मार्क कर लीजिए, लास्ट में दिया हुआ है, एडिंग में कर लीजिए। देखो बच्चों एक वर्ड दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग लिख के दिया है बच्चों, तो ये हमारा एसेट जो है इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, फैक्ट्री के लिए हो रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है, दो इफेक्ट जाएगा बच्चों, लेस फ्रॉम एसेट्स में जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग में लेस करो, सेकेंड इफेक्ट इसका टीडी में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पर्टिकुलर हम लोग फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेस फ्रॉम एसेट्स, सेकेंड जगह टीडी में। और फर्नीचर में से लेस करना है बच्चों, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर अंडर एसेट्स में लेस करो, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीडी में, क्योंकि फर्नीचर कहाँ पे काम आता है बच्चों, ऑफिस के लिए काम आता है, तो लेस फ्रॉम यहाँ पे हम करेंगे एसेट्स में से, सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा पीडी में। सो हम देखते हैं सोल्यूशन पार्ट बच्चों, यहाँ पर जो भी टिक मार्किंग था मैंने इस बुक में टिक मार्किंग सब कर लिया हूँ मैं, ओके। तो हम चलते हैं पोस्टिंग करने के लिए अभी यहाँ पे, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का आइटम पोस्ट करने जा रहे हैं। पहला आइटम दिया प्रॉप प्लांट एंड मशीनरी, तो ये हमारा एसेट्स है, टिक मार्क नहीं दिया है, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चों, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है, तो हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स ड्यू टू लैक ऑफ दिस स्पेस, ओके। नाउ प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, 2,80,000 रुपया हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में दिया फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ओके। अब यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है 75,000, इनर कॉलम 75,000, टिक मार्क दिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं सन्ड्री डेटर्स, ये हमारा एसेट्स है बच्चों, सन्ड्री डेटर्स, इस पे दो टिक मार्क दिया हुआ है बच्चों, 28,700 लिख दिए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पे एक लाइन और दो लाइन,
यहाँ पर तीन लाइन छोड़ेंगे, दो टिक मार्क पे तीन लाइन छोड़ेंगे बच्चों हम लोग। आगे परचेस दिया है बच्चों, परचेस जो है ट्रेडिंग का डेबिट आइटम है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे टू, पहले आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड आता है परचेस यहाँ पे। तो परचेस हमने लिख दिया, परचेस का अमाउंट दिया हुआ इसमें है 85,800, टिक मार्क है इसके ऊपर, तो इंडिया में लिखेंगे हम लोग यहाँ 85,800 हमने लिख दिया बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम दिया है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हमारा पीडी का आइटम है। तो देखिए हम लोग टू बैड डेब्ट्स, ओके, इस पे तीन टिक मार्क दिया है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा गाना लिखेंगे इसका हम लोग। इसका अमाउंट दिया है 500 रुपीज, तो मैं क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऐड, दो काम ऐड में करते हैं बच्चों, लिखते हैं ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, और जोड़ने के बाद में तीनों आइटम को यहां लिखेंगे, उसमें लेस करते हैं ओल्ड आरडीडी, ठीक है बच्चों। तो यहां टोटल वहां पे दो और है, दो चार लाइन छोड़ना होता है बच्चों इसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न बच्चों, तो लिखिए बाय सेल्स, जब इसका आइटम आएगा तब अमाउंट हम लिखेंगे बच्चों। अभी हम लिख दे रहे बस बाय सेल्स, लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो वर्डिंग दिया है आप वही वर्डिंग लिखिएगा बच्चों। इसका अमाउंट है बच्चों 2,200, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हमारा एसेट्स है, हम लिखेंगे यहाँ पे एसेट साइड में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके बच्चों। हमने लिख दिया इसके अमाउंट को इनर कॉलम में 40,000 रुपीज, जैसे कि आपको मैं बताया था कि इसमें साइलेंट एडजस्टमेंट दिया है बच्चों, तो जब भी आप एंट्री करोगे तभी आपको उस समय इसकी पोस्टिंग करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना अमाउंट था 2,000 रुपया था, 2,000 इसमें ऐड कर लो, ऐड करके बाहर लेंगे 42,000, ओके। और उसका सेकेंड पोस्टिंग जाएगा हमारा इनकम है ये, तो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, लिखे हम लोग यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, अमाउंट दिया है 2,000 रुपीज, ओके। इतना होने के बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट आइटम दिया आपको इंपोर्ट ड्यूटी, ये हमारा आइटम ट्रेडिंग का है, तो हम जाएंगे लिखें टू इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी अमाउंट दिया है हम लोग को यहाँ पर 1,800 हमने लिख दिया आउट ऑफ कॉलम में, नो टिक मार्क इज गिवन। नाउ लीगल चार्जेस, लिखे टू लीगल चार्जेस, ये हमारा पीडी का आइटम है, अमाउंट ये इसका 2,000 आउटर कॉलम में जाएगा। आगे बढ़ते हैं मोटिव पावर, ये आइटम जाएगा टीडी में, तो टू मोटिव पावर, मोटिव पावर इसका अमाउंट दिया है 12,000 रुपीज, हम ये 12,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं वेयर हाउस रेंट, ये जाएगा पीडी का आइटम है टू वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट इसका अमाउंट दिया है 1,800 रुपीज, लिख दिया आउटर कॉलम में, नो टिक मार्क इज गिवन। जब टिक मार्क दिया होगा तो आप लिखेंगे इनर में, वेदर आप लिखेंगे आउटर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं कैश इन हैंड, हमारा एसेट्स है, कैश इन हैंड आपको अमाउंट दिया है 20,000, हमने दिया आउटर कॉलम में। फिर दिया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अमाउंट है 70,000, ये भी आउटर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट दिया है बच्चों, जैसे कि अब बता के दिया कि इस पे भी सारे एडजस्टमेंट दिया है बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग पीडी में टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इस पे अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज। बट मैंने आपको बता के दिया था बच्चों, बच्चों इसके ऊपर सारे एडजस्टमेंट दिया हम लोग को है 8,750 रुपीज प्रीपेड है, ओके। तो हम अभी लेस करेंगे यहाँ पे, हम लेस, हम यहाँ लिखेंगे लेस प्रीपेड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 8750, आप यहाँ पे लेस कर लीजिए तो बाहर आपको आएगा 1,250। इस साल के लिए एडवर्टीजमेंट का अमाउंट सिर्फ 1,250 आ रहा है, ओनली फॉर 3 मंथ के लिए बच्चों, ये 3 महीने का है, हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट बाहर, और ये जो पूरा अमाउंट है ये जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस में। तो हमारा सेकेंड फिक्स जाएगा एसेट्स में, हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ओके, अमाउंट आएगा 8750। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है पीडी का, तो हम लिखेंगे टू सैलरी, सैलरीज
हमें अमाउंट दिया है 3800 इनर में लिखेंगे बच्चों, एक लाइन छोड़ देंगे। अब दिया है रेंट, तो टू रेंट, रेंट पे दिया अमाउंट 1500, सेम आइटम आपको एक लाइन छोड़ दीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट आइटम दिया हमको है ड्राइंग, ड्राइंग जो है ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। हम लिखेंगे यहाँ पे हम टू ड्राइंग, टू ड्राइंग, हमें अमाउंट दिया है अमित भाई का, अमित भाई का हमें अमाउंट दिया है 2400 रुपीज, और नरेंद्र भाई का दिया है 3200 रुपीज। ये इनका ड्राइंग है, जाएगा सीडी में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। आगे बढ़ते फर्नीचर हमारा एसेट्स है, लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंट दिया है 1,95,800 इनर कॉलम में छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, इसे लिखेंगे आउटर कॉलम में, टिक मार्क नहीं दिया है, 20,700। उसके बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमारा एसेट्स है बच्चों, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, इसका अमाउंट दिया है 41,000 आउटर कॉलम में जाएगा बच्चों। ये भी देखिए हमने क्या किया, डेबिट साइड का सारा आइटम हमने पोस्ट कर दिया, एकदम ऑर्डर में चलने का बच्चों, ऑर्डर को यहाँ से वहाँ नहीं करने का, ओके। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट साइड में, कैपिटल, कैपिटल जाएगा सीसी में, हम लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, सॉरी ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा इसमें 3,50,000 अमित भाई में और नरेंद्र भाई में 3,00,000 रुपीज, ओके। बच्चों नेक्स्ट आइटम दिया है सेल्स, सेल्स का आइटम दिया 1,80,000, हमने सेल्स ऑलरेडी देखते हैं कि कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखे हम लोग यहाँ पे 1,80,000, इसमें से 2200 लेस के बाहर ले लो, 0, 0, 10 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ बचे 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचेगा 7, 1,77,800 आउटर कॉल में चला गया। आइटम नेक्स्ट दिया बच्चों यहाँ पे बिल्स पेएबल, ये लाइबिलिटी है बच्चों, तो लिखिए बिल्स पेएबल, अमाउंट दिया है और 8,500 आउटर में जाए, टिक मार्क नहीं दिया, 8,500 रुपीज जाएगा। आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट, पीसी में जाएगा बच्चों, देखेंगे बाय डिस्काउंट, अमाउंट दिया इसमें 1,200 रुपीज, देखो 1,200 रुपीज। आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर्स, यह लाइबिलिटी है बच्चों, तो लिखिए क्रेडिटर्स, टिक मार्क नहीं दिया है, आउटर में ले लीजिए आप लोग यहाँ में अमाउंट 38,500। आगे बढ़ते हैं आरडीडी, देखो बच्चों ये ओल्ड आरडीडी है, लेस होता है यहाँ बैड डेट्स में से, तो लिखिए लेस, तो यहाँ पे आरडीडी का अमाउंट दिया है 2,700 लिख दो, अभी आपको आइटम आएगा तब जोड़ के बाहर यहाँ पे लेस कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बैंक लोन लाइबिलिटी है बच्चों, देखिए बैंक लोन, बैंक लोन अमाउंट दिया हमको है 15,000 रुपीज, आउटर कॉल में 15,000। आगे बढ़ते हैं परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेस होगा बच्चों, तो लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न, अमाउंट दिया है इसका 2,000, लेस करके आउटर कॉल ले लीजिए बच्चों आप लोग यहाँ पे 83,500। ओके देखो बच्चे हमने सारे पोस्टिंग्स हमने ट्राइबल से पोस्ट कर लिए हैं, अब चलते हैं एडजस्टमेंट पार्ट्स पे। चलिए देखिए पहला यहाँ पे आइटम दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका अमाउंट दिया है बच्चों 43,000, आउटर में 43,000 चले जाएगा, यहाँ लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट दिया है 43,000 आउटर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं अनइंसर्ट गुड्स वर्थ 8,000 वेयर स्टोलिन, बताया था बच्चे जब अनइंसर्ट गुड्स होगा और स्टोलिन होगा बाय थेफ्ट में, तो बच्चे यहाँ पे एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लिखेंगे लोग यहाँ पे बाय गुड्स स्टोलिन, गुड्स स्टोलिन होगा, अमाउंट आएगा 8,000 रुपीज टोटली, क्योंकि ये अनइंश्योर्ड है, ओके। अब इतना होने के बाद सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका पीडी में, हम लिखेंगे टू लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट में चोरी हो गया बच्चों, चोर के द्वारा चोरी किया गया, 8,000 का हमारा नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं देखो क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सनी डेटर्स, मैंने बताया कि दिया पहले फोर्थ एंट्री होगी बाद में थर्ड एंट्री की जाएगी, तो मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इनसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट 500 रुपीज, तो ये आपका फर्दर बैड डेट्स बच्चों, तो पहले लेस करोगे यहाँ पे लेस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स अमाउंट है 500 रुपीज, लेस कर लो पहले, तो आपको आएगा 28,200, ओके।
अब 28,200 रुपीज में से आपको लेस करना होगा कितना परसेंट रेवेन्यू ऑलरेडी 2%, तो 28,200 पे 2% चार्ज कर लो, दो से कट गया, 2 2 जा 4 2 1 2 2 जा 4 1 5 564 आएगा बच्चों, तो यहाँ लिखो 564, यहाँ लेस कर लो, लेस न्यू आरडीडी लेस कर लो, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 9 में 6 गया तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 11 में 5 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 7, 27,636 ऑटो कॉलम में चला गया, जो आपने यहाँ पे आइटम लेस किया है बच्चों, सेकंड पेज जाएगा, आपको यहाँ पे बैड डेट्स में ऐड करना होगा, फर्दर बैड डेट्स में कितना आया 500 रुपीज आया, ठीक है, आगे न्यू वैरायटी कितना आया 564 आया, 564 सब जोड़ लीजिए तो 4 यहाँ 6 ये 15, तो यहाँ 1564 अमाउंट आ रहा है, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी जो दिया ओल्ड वाला वो अमाउंट 2700 है, मतलब ये ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे डैश मारना है बच्चों, यहाँ पे नील करके आप यहाँ लिखेंगे बाय बाय, हम लिखेंगे यहाँ पे हम RDD लिखेंगे, ऐसा बताएंगे 2700 माइनस 1564, यहाँ पे लेस के बाद लिखेंगे, 10 में से 4 यार बचेगा 6, फिर 9 में से 6 यार बचेगा यहाँ पे 3, फिर यहाँ पर 6 में 5 तो बचेगा 1, और यहाँ 1136 रुपीस आपको क्रेडिट में डालना होगा इफेड इसका। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी जब ये जोड़ने के बाद में अमाउंट ये वाला कम है ये ज़्यादा है तो उसका यहाँ पे डैश मार के इसका रिवर्स भी डाल दीजिएगा, यहाँ बोलिएगा बाय RDD 2700 था जिसमें से 1564 लेस करने पे आपको अमाउंट आएगा 1136। ओके बच्चों, नेक्स्ट आइटम दिया इसमें है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी, ये जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, हम जाएंगे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके, और यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो सैलरी दिया है आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 300 रुपया, 300 जोड़ लो बाहर ले लो उसको आप लोग, तो यहाँ पे आएगा 4100, और यहाँ पे जोड़ लो रेंट के अंदर 800 रुपया, तो बाहर आएगा आपको 2300 रुपीज़ बाहर आएगा बच्चों, तो जो अपने आइटम यहाँ पे जोड़ा है बच्चों ये आपकी लाइबिलिटी है, तो आपको यहाँ लिखना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डाल दीजिए हेडिंग, लिखिए सैलरी और यहाँ लिखिए रेंट, सैलरी हमको दिया है कितना आउटस्टैंडिंग 300, रेंट दिया है 800, कुल मिला के बाहर आएगा 1100 रुपया। आप चाहो तो इंडिविजुअली आप यहाँ पे आइटम लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी आउट में 300, आउटस्टैंडिंग रेंट चाहो तो 800 बाहर ले सकते हो आप लोग। ओके, इतना करने के बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे, लास्ट जिसमें दिया बच्चों हम लोग यहाँ पे डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 और फर्नीचर दिया 1800 रुपया, तो काम करो फैक्ट्री बिल्डिंग भी जाओ यहाँ पे लेस करो, लेस डेप्रिसिएशन, और आपको लेस करना है फर्नीचर में से भी, लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग पे दिया है आपको 2500 रुपया, यहाँ पे लेस कर लो 2500 रुपया, तो बाहर आएगा 72,500, और यहाँ पे फर्नीचर पे दिया है आपको है 1800 रुपया, लेस कर लो 1800 रुपया, ओके, तो बाहर आपको आएगा 1,94,000, ओके 1,94,000 आपको बाहर आएगा अमाउंट। तो सेकेंड पोस्टिंग इसका जाएगा, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, हम देखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग पे अमाउंट है 2500 रुपया, ओके, और फिर हमें फर्नीचर पे ये जाएगा प्रॉफिट उसके डेबिट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट दिया हमको यहाँ पर 1800 रुपया बाहर जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों हमने सारा पोस्टिंग सारा एडजस्टमेंट पार्ट हमने कर लिया, अब देखते हैं टोटलिंग पार्ट बच्चों, तो एक बार टोटल करने से पहले आज बताऊंगा मैं बच्चों, एक बार टोटलिंग करने से पहले एक बार आप आइटम देख लीजिएगा कि जो आइटम आपने यहाँ पे अंदर लिया सब बाहर आया कि नहीं आया, चेक कीजिए, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में लिखा था यहाँ पे दिया ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डैश मान लीजिए, या आप चाहो तो यहाँ पे नहीं तो भी चलता था पर मैंने लिख दिया था। अब देखिए सब आइटम बाहर ले लिए ना आपने, यहाँ पे सब चेक कर लीजिए, सब बाहर ले लिया आपने ना, ओके सर बाहर ले लिया है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा टोटलिंग करना होगा, तो टोटल करते हुए यहाँ पे ना यहाँ पे क्रेडिट आइटम ज़्यादा आ रहा है बच्चों और डेबिट आइटम कम आ रहा है, तो क्रेडिट टोटल आपको यहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पर 2 लाख, सब जोड़ लीजिए एक बार यहाँ पे 0 0 या 8, फिर यहाँ पे 8 और 7 15 और 3 18 के 8 कैरी 1, यहाँ पे 8 और 4 2 कैरी 1, यहाँ 2,28,800 होगा बच्चों, 2 लाख
28,800 लिखे हम लोग यहाँ पर, इसमें से आप जोड़ के इसको लेस कीजिए तो आपको डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1,29,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, देखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बच्चों, तो यहाँ से टू है तो यहाँ पे आएगा सी डिविजन के बी डी पी आर, कितने का बी डी पी आर 1,29,000 बच्चों, जैसे कॉन्सेप्ट है। चलिए तो टू जी पी कैरी डाउन तो बाय जी पी जो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन बच्चों 1,29,000। ओके इतना हो गया बच्चों टोटल टोटल हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो किस साइड का आइटम ज़्यादा आ रहा है हमें, देखिए तो ये आइटम ज़्यादा है, ये आइटम कम है बच्चों, तो इसे जोड़ लीजिए आप लोग, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 2, 1, 3 हो गया, फिर इसके बाद में 9, 2, 11, 12, 13 कैरी 1, यहाँ 3, 1,33,336 होगा बच्चों, यानी 1,33,336 आप इसमें से जोड़ के ये सब लेस कीजिए तो आपको फिगर यहाँ पे आएगा बच्चों 1,12,086 रुपीस, ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों। तो टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे जोड़ेंगे लेस करेंगे इसमें से तो आपको इतना फिगर आएगा बच्चों। तो ये जो नेट प्रॉफिट है बच्चों दो पार्टनर्स को बंटने वाला है, तो आप यहाँ बांटना पड़ेगा इक्वली कि इसको अमित भाई को और नरेंद्र भाई को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इक्वली बांटना है क्योंकि दोनों पार्टनर इक्वल हैं, तो क्या करोगे 1,12,086 को 2 से डिवाइड कर, 2, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 2, 0, 0, 2, 4, 2, 3, 6, तो 56,043, दोनों का अमाउंट इक्वली बढ़ गया, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट है। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन है यहाँ पे, बट हम लिखेंगे यहाँ पे क्या मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन इसका अमाउंट है 56,043। ओके बच्चों इतना होने के बाद में हमें यहाँ पे टोटल करना होगा, ठीक है टोटल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये 3,56,043 रुपया हो गया, और ये आपको आ जाएगा 3,406, 5 0 कैरी 1, 4,06,043। अब इस टोटल को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेम ऐसे, तो 4,06,043 और यहाँ पे 3,56,043। ओके बच्चों यहाँ पे लेस करने में फिगर हमको यहाँ पे आएगा 3, 4, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे 5 में से 3 बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 3, 3,52,843 इसमें लेस कीजिए वाला, तो 3, 4 देन यहाँ पे 10 में से 4 का बचेगा 6 यहाँ पर, फिर 5 में से 2 का 3 बचेगा, फिर यहाँ 0 यहाँ 4, 4,03,043 या कोई टू बैलेंस कैरी डाउन लिखे हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम आएगा अमित भाई, अमित भाई के नाम पे और नरेंद्र भाई के नाम पे, ठीक है लिख दीजिए अमाउंट यहाँ पे 4,03,643 और यहाँ पे आएगा 3,52,843। ओके सब जोड़ के इसे हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, ठीक है गया 7,56,486। अब हम सब जोड़ के देखेंगे दोनों साइड अगर टैली सही हुआ तो हमारा सम सही है, जोड़ लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे, तो जोड़ने पे आपको फिगर आएगा बच्चों यहाँ पर 8,19,586, 8,19,586 यहाँ जोड़ लीजिए 8,19,586 ये हमारा टोटल अमाउंट होगा बच्चों, और ये हमारा सम क्या हो जाएगा बच्चों टैली हो जाएगा। इसलिए सवाल को हमने सॉल्व किया बच्चों, आई होप आपको सवाल को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, ठीक है जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।